हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेश कुमार वाराणसी से। मैंने गुरु एस के सामले के द्वारा संचालित सम्मोहन के कक्षाओं को मैंने भी सफलतापूर्वक ग्रहण किया, जिसमें मैंने सम्मोहन के बारीकियों को बहुत गहराई पूर्वक सीखा, जिसमें गुरु जी ने बहुत सरलतापूर्वक हम लोगों को 7 दिनों की क्लास में इसे समझाया। गुरु जी ने हमें एक सम्मोहन की बारीकियों में, मतलब उसके क्या बुरा है क्या अच्छा है, जो समाज में सम्मोहन के बारे में भ्रांतियाँ फैली हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। सम्मोहन एक बहुत ही विशेष प्रकार की विद्या है, जिसमें आप किसी का इलाज कर सकते हैं। सम्मोहन से आप किसी का याददाश्त बढ़ा सकते हैं, आप किसी को ठीक कर सकते हैं। सम्मोहन से आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इसके बहुत पॉजिटिव अप्रोच हैं। इससे आप अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं, अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन को जागृत करके धन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। हम लोगों ने 7 दिनों में तो बहुत ही अच्छा सीखा। गुरुजी ने 7 दिनों में हमें लास्ट 5वें दिन हम लोग को गुरुजी ने क्लाइंट को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है ये बताया, और मैंने खुद एक क्लाइंट को, एक बच्चे को मैंने हिप्नोटाइज किया गुरुजी के सानिध्य में ऑनलाइन क्लास में। बहुत ही अच्छा गुरुजी ने किया ये, और मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी ने भारत में, मैंने बहुत यूट्यूब चैनल पर देखा कि सम्मोहन के बारे में, पर गुरुजी का जब चैनल देखा तो मुझे यकीन हुआ कि गुरुजी बहुत अच्छा समझाएंगे हिप्नोटिज्म के बारे में। मैंने उनसे बात की, बात करके उन्होंने बताया मुझे कि आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, आप ना आ भी सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अभी अच्छा है, आप सीख सकते हैं, और उसके आगे का स्टेज अगर आप मैग्नेटिज्म सीखना चाहें तो आप पढ़ना आ सकते हैं, पर आप हिप्नोटिज्म या सम्मोहन सीखना है तो आप ऑनलाइन, आपको ये अच्छा रहेगा। हाँ, और अच्छा भी रहा, मेरा इसमें समय भी बचा और मैं आसानी पूर्वक इसको अपने समय के अनुसार ऑफिस से जाने के बाद इसको सीखता था। और गुरु जी बहुत अच्छे से हम लोग को 6 से 8 के समय में बहुत अच्छा समझाते थे। गुरु जी के द्वारा जो भी बताया जाता था उसका प्रैक्टिकल और उसका प्रैक्टिकल भी बताया जाता था, उसको लिखवाया भी जाता था, दोनों को गहराई पूर्वक समझाया जाता था। ताल में बड़ा अच्छा रहता था और बहुत आसान शब्दों में सिखाया जाता था।